माँ कात्यायनी पीठ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। माँ कात्यायनी पीठ मंदिर पूर्वामीर महाराजपुर में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मंदिर को भव्य श्रृंगार से सजाया गया, जिसमें माँ कात्यायनी की मूर्ति का आकर्षक रूप देखते ही बन रहा था। बाल गोपाल भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति को मोतियों की माला और मुरली से सजाकर मनमोहक रूप दिया गया। केले के पत्तों से चारों तरफ सजावट कर सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया गया। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में भक्ति भजन और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगीत के साथ सुंदर भजन गाए गए। इन भजनों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और नृत्य करने पर मजबूर हो गए। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जैसे भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण किया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कृष्ण जन्मोत्सव के उपरांत प्रसाद के रूप में पंचामृत और पंजीरी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल सिंह तोमर, पूर्व विधायक अरुणा तोमर, राहुल तोमर सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आठिया न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पे हर साल लमसम 3-4 साल से यहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से तोमर परिवार की तरफ से मनाया जाता है। इसमें हम लोग पूर्वामीर ग्राम सभा के निवासी हैं, दूर दूर की ग्राम सभा से लोग, गांवों से लोग आते हैं और भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं। क्या खास है इस मंदिर में जो आप लोग यहाँ पे? ये माता कात्यायनी पीठ, भोले बाबा, बजरंगबली, राम दरबार, राधा कृष्ण, सारे देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ बहुत बड़ा सिद्धपीठ मंदिर होता हुआ है और इस वजह से दूर दूर के गाँवों से, शहर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कानपुर वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे कात्यायनी पीठ में हर लगातार 5 वर्षों से जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता रहा है और अगले वर्षों में होता रहा है। इसके लिए हमने झांकी की व्यवस्था की है, प्रसादी की व्यवस्था की है और संध्या भजन की व्यवस्था शाम को 7 बजे चालू की है, जो रात्रि 12-12:30 बजे तक चलेगी, जब तक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ना हो जाए। कितने साल पूरे हो गए? आज जन्माष्टमी का उत्सव बनाते हुए हमको 5 साल पूरे हो चुके हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।